विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली में राजनीतिक घमासान जारी है, लेकिन दिल्ली चुनाव की सरगर्मी उत्तराखंड में भी कुछ कम नहीं है। दरअसल राज्य में दो दिग्गज चुनावी मसले पर आपस में भिड़ गए हैं, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कांग्रेस की गुटबाजी के बहाने अब तक हरीश रावत को घेर रहे थे, तो अब हरीश रावत ने भी केंद्रीय नेतृत्व के जरिए सीएम पर पलटवार कर दिया। दिल्ली का दंगल, उत्तराखंड में तूतू मैं, नेताओं में चले जुबानी तीर। दिल्ली में 8 फरवरी को विधानसभा चुनाव है, जिसके लिए सभी पार्टियां आखिरी दौर में अपना पूरा जोर लगा रही हैं। तभी तो कई राज्यों के नेता दिल्ली के चुनावी मैदान में अपनी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाने के लिए जमकर प्रहार कर रहे हैं, और अब इस प्रहार का असर उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, जहां आमने सामने है सीएम और पूर्व सीएम। दरअसल सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करके देहरादून पहुंचे, तो यहां उन्होंने पूर्व सीएम हरीश रावत और पूरी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं को प्रदेश की गुटबाजी से समय मिले तो जाकर वो दिल्ली में प्रचार कर सकेंगे। वहाँ की लड़ाई से वो बाहर निकले तो तब फिर दिल्ली पहुँचे, अभी तो यहीं कभी मसूरी में लड़ रहे हैं, कभी टिहरी में लड़ रहे हैं, कभी अल्मोड़ा में लड़ रहे हैं, तो यहीं लड़ाई उनकी पूरी हो जाए उसकी इंतजारी करनी होगी आपको। वहीं मुख्यमंत्री के इस बयान पर हरीश रावत ने पलटवार करते हुए जहां एक तरफ बीजेपी के केंद्र नेतृत्व पर हमला बोला, तो वहीं अरविंद केजरीवाल पर भी कई तीर छोड़े। दिल्ली दो जुमलेबाजों के बीच में फंस गई है, मोदी जी बड़े मियाँ हैं और केजरीवाल छोटे मियाँ हैं, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह 5 साल से आपस में झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे से गाली गलौज कर रहे हैं, और दिल्ली वालों से हमने कहा भाई हमने 15 साल के अंदर दिल्ली को वर्ल्ड क्लास राजधानी बनाया, चमकाया, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, हमको फिर मौका दो, हमको इन दोनों बड़े जुमलेबाजों से बचो और इसमें काम करने वालों को लाओ, और काम करने वाली केवल कांग्रेस है, और मुझे भरोसा है कि 8 तारीख को दिल्ली का फैसला हमारे पक्ष में आना चाहिए। दिल्ली में हालांकि देखा जाए तो अभी तक मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, लेकिन ऐसे में कांग्रेस अपने कार्यकाल की उपलब्धि बताकर जनता को चुनाव में अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रही है। कुल मिलाकर दिल्ली की राजनीति इन दिनों उत्तराखंड के नेताओं पर सर चढ़कर बोल रही है, और दिल्ली चुनाव के परिणामों तक इसकी जारी रहने की उम्मीद है। सौरभ भाटिया, R9 TV, देहरादून, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।